सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जागरूक जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में 75.45% मतदान कर एक अनूठा इतिहास कायम किया। यह परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का परिचायक है। हमें खुशी इस बात की है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव उल्लास के साथ राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने लोकतंत्र के महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और विकसित भारत राष्ट्र प्रथम के संकल्प का विश्वास जताकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। ये राजस्थान की जनता का ऐतिहासिक निर्णय है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। माननीय सभापति महोदय, ये 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है। ये सदन राजस्थान के विकास का सबसे बड़ी पंचायत है। सबसे पहले मैं 16वीं विधानसभा जो माननीय सदस्य निर्वाचित होकर पधारे हैं, उन सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए बधाई देना चाहूँगा। साथ ही हम सब का ये सपना और अरमान है कि राजस्थान विकसित बने, राजस्थान समर्थ बने, राजस्थान खुशहाल बने, यही हम कामना करते हैं। और सन 1952 से लगाकर आज तक जितने भी माननीय सदस्य निर्वाचित होकर यहाँ पधारे, राजस्थान को बीमारू श्रेणी से निकालकर विकासशील श्रेणी में खड़ा करने का उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा हिंदुस्तान 20 ऐसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों की अगुवाई कर रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। आपने नज़ारा देखा होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि आपके देश में हमारे देश के 25,600 विद्यार्थी अध्ययनरत है, वो सकुशल घर लौटने चाहिए। तब वहाँ तिरंगा ऑपरेशन चला और विद्यार्थियों ने तिरंगा लेकर के वे जब निकले तो उनके साथ अन्य देशों के विद्यार्थी भी सकुशल अपने घर लौटे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पर बलूचिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर देशों के लोग भी भरोसा और विश्वास करना करते हैं और फिर से हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम सौभाग्यशाली हैं कि 500 वर्षों का वो संघर्ष और हमारा सपना आज साकार हुआ है। कल ही आपने देखा पूरा हिंदुस्तान
पूरा विश्व राममय था, भाव विभोर था। और कल हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने घर पे विराजे, अयोध्या पधारे। माननीय सदस्य, अरे भाई, माननीय विराजम सदस्य, 500 वर्षों के हमारे पूर्वज माननीय सदस्य एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कई संगठनों का संघर्ष कामयाब हुआ। प्रभु श्री राम ने मंदिर निर्माण के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए निमित्त और माध्यम बनाया। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए और कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त 2020 को शांति से सुने। माननीय सदस्य, आपका अवसर आएगा जब नहीं बोलेंगे क्या? विराजो। माननीय सदस्य सरवण जी, आप हमारे मित्रों, विराजो, आप विराजिए, आप विराजो, विराजो, विराजो। माननीय सदस्य, आप हमारे माननीय सदस्य, आप विराजिए, आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो, आप विराजिए प्लीज। राम जी का नाम लेने से क्यों उछल रहे हो? राक्षसों को तकलीफ। राज्य मंत्री महोदय, हमारे अरे माननीय सदस्य, ये राजस्थान की विधानसभा। माननीय सदस्य, अरे आप कहाँ खड़े हुए? माननीय सदस्य, राजस्थान की विधानसभा में उसकी मर्यादाओं का पालन करें। आपका जब अवसर आए आप अपनी बात रखिएगा, परंतु ऐसे बीच में ना बोले। माननीय सदस्य, विराजिए, आसन पैरों पे होता है तब विराजते हैं। माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2020 को अयोध्या पधारे और राम जी के मंदिर के लिए भूमि पूजन कर वह आधारशिला रखी और उसी दिन ये घोषणा कर दी थी कि 22 जनवरी 2024 को मोदी जी फिर से आएंगे, मंदिर का निर्माण पूरा होगा और वहाँ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जो उन्होंने तारीख बताई उस कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। आज मैं कह सकता हूँ कि पूरा देश राम विभोर हो गया। विराजे माननीय सदस्य, सनातन धर्म प्लीज और संस्कृति की जीत हुई कांग्रेस की अगुवाई की यूपीए सरकार ने। सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि राम का चरित्र और राम द्वारा जो सेतु बनाया गया वो काल्पनिक है। अब राम जी के मंदिर का जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निमंत्रण दिया जाता है तो उसको भी ठुकरा दिया जाता है। जब पूरे राम भक्त गदगद हो रहे हैं, कल आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में और कई विश्व में भी एक दूसरी दीपावली मनाई गई। आपके परिवार में भी दीपावली मनाई गई, लेकिन उस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। निमंत्रण ठुकराना ये उचित नहीं है। अब हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए, आप सबको सद्बुद्धि देंगे और राम राज्य आएगा, सुशासन आएगा, सुराज आएगा और राम जी की कृपा से सब काम होगा। अभी अजमेर दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया, लेकिन पिछले 5 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस में अंतर्कलह थी, खींचतान थी,
कांग्रेस की गाड़ी पटरी पर नहीं चली और जोधपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर यहां पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जनता भयभीत हुई और अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र सेगढ़ में भी हृदय विदारक बहुत बड़ी गैस त्रासदी हुई, उसमें 35 लोग काल कलवित हुए और 35 घायल हुए। उस तरफ तो लाशें जल रही थी, धुआं उठ रहा था और कांग्रेस के नेता अपने शीर्ष नेता को खुश करने के लिए अल्बर्ट हॉल में सांस्कृतिक संध्या करके और ताली बजा रहे थे। उन गरीब लोगों को न्याय मिले इसके लिए लाखों की संख्या में लोगों ने जोधपुर की धरती पर संघर्ष किया। 8 दिन तक संघर्ष चला। संघर्ष के बाद में एक घोषणा करी, घोषणाएं तो करी लेकिन घोषणा करके उन गरीबों की मदद करना भूल गए। 5 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों को, आश्रितों को मिले लेकिन घायलों के लिए 2 लाख की घोषणा थी, पीएससी की घोषणा थी, संविदा पे नौकरी करने की घोषणा थी, बच्चों को पढ़ाने की घोषणा थी लेकिन उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं की। इसलिए उन आत्माओं की हाय लगी और आपको उस तरफ आना पड़ा। अब नहीं, अभी 5 साल तो रुको। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 15 के पैरा 10 मई व 17 जनवरी 2019 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये कहा कि सरकारी महकमे, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी विश्वविद्यालयों, उपक्रमों में 3,60,000 संविदा कर्मियों को नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारी के अनुरूप वेतन भत्ते उपलब्धियाँ, पेंशन हम देंगे। 5 साल के कांग्रेस शासन काल में संविदा कर्मियों के साथ धोखा किया, उन्हें नियमित नहीं किया। इसका जवाब जब आप अभिभाषण पर देंगे तो जरूर देना। अध्यक्ष महोदय, हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने विश्वास किया और उनके द्वारा दी गई गारंटी पर भरोसा किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की परचून मोहम्मद से सरकार बनाई और अब ये डबल इंजन की सरकार बनी है। जनता के इस विवेकपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय की मैं सराहना करता हूँ। सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार में जन्मे। उनके माताजी दूसरे घरों में जाकर मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। थोड़े से बड़े हुए तो उनके हाथ में चाय की केतली पकड़ा कर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर घर चलाने को कहा गया। वो गरीब माँ के बेटे, वो चाय बेचने वाले गरीब माँ के बेटे आज देश के प्रधानमंत्री बने। वो जानते हैं, प्लीज उसी पे बोल, वो जानते हैं, सदस्य वो जानते हैं, प्लीज माननीय सदस्य, वो जानते हैं कि गरीब की पीड़ा क्या होती, गरीबी की परेशानी क्या होती है। राजे साहब, विराजे माननीय सदस्य, परेशानी क्या होती है राजे साहब, विराजे प्लीज माननीय सदस्य, विराजे आप विराजे माननीय सदस्य, आपका अवसर है तब आप बोलिएगा। विराजे प्लीज प्लीज विराजे, आप विराजे, आप बोलने दीजिए, जब आपका अवसर आए आप बोलिएगा। विराजे विराजे माननीय सदस्य, विराजे बोलिए सदस्य, माननीय सदस्य बोलिए, आप इधर देखिए और बोलिए माननीय सदस्य, उनकी पीड़ा क्या होती है। आप विराजिए माननीय सदस्य, और परेशानी क्या होती है। विराजिए विराजिए, मेरे को यहाँ जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी मत बताएं। उन्होंने गरीबी झेली है, गरीबी की पीड़ा महसूस की है, वही समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब 2014 में एक नए युग की शुरुआत हुई, मोदी युग आया और देश में पहली बार जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने माताओं और बहनों की इज्जत के लिए शौचालय का काम शुरू किया था, लेकिन आपकी सरकार के समय में वो कार्य बंद हो गया था। अब हमारे आदरणीय भजनलाल जी की सरकार बनी है, भजनलाल जी की सरकार प्रत्येक घर का सर्वे कराएगी
और एक भी शौचालय से वंचित घर नहीं रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सदन के नेता और मुख्यमंत्री जी की एक दुर्लभ तस्वीर मैंने देखी। अपने घर में वो तार पट्टी पर बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी जी, दो बच्चे साथ हैं, पीछे सामान रखने के लिए एक बक्सा है और एक चारपाई खड़ी है, तो वो भी एक साधारण किसान परिवार में जन्मे। और मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि अब वो जनता की समस्या को समझेंगे। और उनकी जीवनी और मोदी जी की जीवनी एक जैसी है, और मोदी जी की गारंटी को अगर कोई पूरा करेंगे तो ये डबल। माननीय सदस्य, आप कितने वरिष्ठ विधायक हैं? आदरणीय भजन लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी कितने वरिष्ठ हैं? फिर भी प्रधानमंत्री वरिष्ठता का ख्याल रखिए। उज्ज्वला योजना में 5 साल तक आपने गैस के कनेक्शन नहीं दिए। मोदी जी ने माताओं के धुएं से निजात दिलाने के लिए ये योजना चलाई, लेकिन अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में फिर से कनेक्शन शुरू हुए हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे सदन के नेता का, जिन्होंने 1 जनवरी से गैस सिलेंडर को 450 रुपये में देने का निर्णय किया। तो कांग्रेस वाले हो गए अध्यक्ष महोदय, फिर इनको बुला लेंगे एक बार। केंद्र प्रवर्तित जितनी भी योजनाएं हैं पिछले 5 साल में उनको धरातल पर आप नहीं लाए। आप धरातल पर इसलिए नहीं लाए कि सारी योजना अगर धरातल पर आई और अंतिम व्यक्ति और गरीब को लाभ मिला तो वाह भाई मोदी जी को होगी, ये आपको ना गुजरता। इसलिए इसमें आपने काम नहीं किया। मोदी जी की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 2017-18 में, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य बिराजी, हाँ मेरे मित्रों बिराजो, फिर अपने डीजे स्तर पर लड़ाई जाएगी यहाँ से। आप माननीय साहब बोलिए, आप अपना अभी तो एमएलए लड़का आया हूँ, आप इधर देखिए माननीय सदस्य और बोलिए, आसन की तरफ देखकर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2017-18 में सर्वे हुआ। अब सर्वे के अनुसार 2018 में जो कांग्रेस की सरकार आई तो बदले की भावना से नाम काट दिए गए, और उसके साथ ही जो भारत सरकार का निर्धारित पोर्टल सिस्टम है समय पर अपलोड नहीं होने से 9 लाख से अधिक पात्र परिवार वंचित रह गए। अब हमारे भजन लाल सरकार आई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा करी है और फिर से ये जियो टैगिंग किए जाएंगे, और संकल्प भारत में जितने आवेदन आए हैं पोर्टल खुलने पर उनको जोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने का काम होगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब पहली किस्त आती थी नींव भरी जाती थी सदस्य 2 मिनट में, तो 10,000 और 20,000 की मांग की जाती थी। अब वो रिश्वत के अभाव में उनकी नींव भरी रही, अखबारों में आया, न्यूज़पेपर में आया, लेकिन उनके मकान पूरे नहीं हुए। ये घर तो डाकन ने टाले पर गरीबों ने नहीं छोड़िया, ये हालात थी। सभापति महोदय, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना बनी, उसमें घर कनेक्शन हुए थे। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना चलाई और 500 रुपये डिमांड लेकर के राजस्थान के जो 90% घरों में बिजली नहीं थी उनके घरों को रोशन करने का काम किया। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई इन्होंने एक तुगलकी आदेश निकाल दिया कि हम खंभा नहीं देंगे, 4,500 डिमांड लेंगे, केबल से कनेक्शन देंगे, केबल का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। अब मैं तो ढाणियों बसते हैं, बगैर पोल के बगैर खंभे के कनेक्शन नहीं होता, लेकिन आपने कनेक्शन दिए नहीं। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 20 में हमारी सरकार ने हर घर को बिजली देने की गारंटी दी। अब इस राजस्थान में भजन लाल जी सरकार में एक भी घर बिजली से वंचित नहीं रहेगा। कि 2003 से जब LTAB केबल लगी थी वो सूरज की रोशनी से गल गई, वो स्पार्क हो रही थी, जल रही थी, लेकिन स्टोर में केबलें नहीं मिल रही थी, ये हालात थे। और ट्रांसफार्मर जो जलता था वो भी 15-20 दिन में बदलते नहीं थे, और बदलते थे
तो भी नारियल चढ़ाना पड़ता था। आपकी सरकार में नारियल चढ़ाने वाली परंपरा शुरू, बिना पैसे दिए जनता का किसी का काम नहीं हो रहा था। नीचे आप देख नहीं रहे थे कि जितना जनता इस भ्रष्टाचार से कितनी परेशान और त्रस्त है, ये हालात हो गए थे। और राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय ट्रांसफर बदलने में 72 घंटे में 3 दिन में ट्रांसफर बदल दिया जाता था, लेकिन ऐसे हालात हो गए। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मोदी जी की विद्युत सुधार केंद्रीय योजना पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना में जहाँ ट्रांसफर पर विद्युत भार है वहाँ नए ट्रांसफर लगाए जाएंगे, ऐसी केबलें जो सड़ गल गई है उनको बदला जाएगा, नए 33/11 kV GSS बनाए जाएंगे, नई 33 kV की लेने खींची जाएगी, नई 11 kV की लेने खींची जाएगी और निर्बाध रूप से किसानों को और उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी। इस प्रकार का ये काम किया। अभी आपने सरकार बनते ही देखा होगा कि कोयले का भयंकर संकट आया तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने उसको गंभीरता से लिया और तुरंत ऊर्जा मंत्री को लेकर दिल्ली गए और उन्होंने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से बात करी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करी और हाथों हाथ बिजली की समस्या का निस्तारण किया। ये होती है सरकार की काम करने की इच्छा शक्ति। सभापति महोदय, विद्युत विभाग की घोर लापरवाही व संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण आमजन व किसानों को अघोषित कटौती का दंश देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश के डिस्काम को आर्थिक संबल देने के लिए शुरू की गई उदय योजना के माध्यम से 62,400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया था। दुर्भाग्य से कांग्रेस राज के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण आज ये ऋण बढ़कर 88,700 करोड़ रुपए के पार हो गया। भाजपा शासन के समय फ्यूल चार्ज 18 पैसे प्रति यूनिट था, जो बढ़कर कांग्रेस के शासन में 59 पैसे प्रति यूनिट हो गया। विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। टंकी प्रोजेक्ट के नाम पर 1600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। 2300 करोड़ के टेंडर 3900 करोड़ के हो गए। अब हमारी भजनलाल सरकार गैर जीवाश्म स्रोत वाली अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर राज्य में विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। कुसुम योजना में भी किसानों को सोलर आधारित प्लांट मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी और 4-5 हेक्टर में ये प्लान लगेगा और प्रतिवर्ष 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सभापति महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर में नल लगाकर जल से शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू करी। अब उस जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरू करी और 2000 तक हर घर में नल से जल पहुंचाना था। कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग विधानसभाओं में आपने कोई सर्वे ढंग से किए नहीं, ना कोई प्रोजेक्ट तैयार हुए। जहां आपके चयनों के प्रोजेक्ट तैयार हुए उनमें टेंडर हुए, कार्य आदेश हुए और कार्य आदेश होने के बाद बिना काम किए भुगतान उठा लिया गया। ये जनता को पानी पिलाने वाली योजना कांग्रेस सरकार के कमाई का जरिया बन गई। असर हो गई, ईडी आ गई आप। ये कमाई का जरिया, ये जल जीवन मिशन के धन का दुरुपयोग हुआ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ और अब देख रहे हैं कि ईडी जांच हो रही है आपके भ्रष्टाचार की, जल जीवन मिशन में परतें खुल रही। अब भजनलाल सरकार आई है। सभापति महोदय, निश्चित रूप से आपके द्वारा किए गए घोटालों की जांच भी होगी, पुनः प्रोजेक्ट तैयार होंगे और घर घर जल जीवन मिशन में पानी पहुंचने का काम अब होगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार बनी। पूरे 5 साल जनता पानी के लिए तरसती रही, पानी का भयंकर शोषण था। सरवण जी, 90% जनता जल योजनाएं बंद थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब प्रोजेक्ट तैयार होंगे और जल जीवन मिशन में आपका पूरे हिंदुस्तान में 33वें स्थान पर ये राजस्थान था। ऐसे हालात हो गए, सड़क की तो बहुत हालत खराब हुई। आपने नए राजस्व गांवों के लिए सड़कें मंजूर करी, लेकिन पुरानी सड़कों को भूल गए। जो सड़क सीमा है वहाँ झाड़ियाँ खड़ी, झाड़ियों की वजह से सड़क खड्डे में है या खड्डे सड़क में है, ऐसे हालात हो गए। नवीनीकरण के काम आपने नहीं, सड़कों में भी आपने राजनीतिक भेदभाव किया। और मैं मेरे विधानसभा का बताना चाहूँगा कि
कि आपने 2011 और 11 के बाद घोषित गांवों में सड़कें पहुंचाने का काम स्वीकृत किया, लेकिन मेरे यहाँ राजनीतिक बदले की भावना से कम दूरी की सड़कें स्वीकृत करी और 108 राजस्व गांवों की सड़कें आपने स्वीकृत ही नहीं करी। ये सूची मेरे पास पड़ी है, इस प्रकार का काम आपने किया। तो ये सड़कों के हालात है, मुझे विश्वास है कि सरकार काम करेगी। अभी हमारी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य कह रही थी कि आयुष्मान भारत योजना में पिछले 5 सालों में आपने कार्ड ही नहीं बनाए। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, सभापति महोदय 5 लाख की इस योजना में पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाकर के इलाज निःशुल्क कराया जा सकता है, इसको भी आपने चिरंजीवी योजना में जोड़ा। और जोड़ करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 लाख का बीमा भी इसमें है, लेकिन जब प्रतिपक्ष के सदस्य जवाब दें तो उसमें बताएं कि आपने 25 लाख तक की योजना तो कर दी, लेकिन राजस्थान में 5 लाख से अधिक पैसा व्यय करके कितने लोगों का इलाज कराया है उसकी जानकारी कराएं। इससे कार्ड नहीं बने, मैं मेरे विधानसभा की बात, 1,60,209 कार्ड पात्र परिवार थे, बनने थे, लेकिन 5 साल में कार्ड बने नहीं, केवल 10% कार्ड बने, 16,000। जब हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई तो 17 दिसंबर 2003 के बाद केवल 1 माह में 1 लाख कार्ड, 5 साल में 16,000 5 साल में, और 1 महीने में 1 लाख कार्ड, यही पूरे राजस्थान की हालत है। अध्यक्ष महोदय, आज भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान में पिछले 5 वर्षों के राजस्थान में सबसे कुपोषित बच्चे 51.8% है। अब हमारी भजनलाल सरकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के कटिबद्ध है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी भजनलाल सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन नर्सिंग कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन डायलिसिस केंद्र, वन ब्लॉक वन डायग्नोसिस सेंटर स्थापित कर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा में सुगम स्थित कराएगी। शिक्षा का तो बड़ा ही गर्व कर, जो हमारे पंचायत मुख्यालय पर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय थे, राजमान्य सदस्य, उनको आपने अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने का काम किया। न तो कोई मानव संसाधन बनाए, न आपने कोई नीतियां बनाई, और जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे थे उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया। ऐसा ही नहीं, एक बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और पूर्व शिक्षा मंत्री जी एक शिक्षक सम्मेलन में गए, तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा शिक्षकों से कि आपको स्थानांतरण के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं, तो सारे शिक्षक खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि बिना पैसे के तो ट्रांसफर होता ही नहीं। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, स्थानांतरण का एक उद्योग खुल गया था, और हमारे सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर जिले में सभी शिक्षकों ने आपकी सरकार को नारे चढ़ा करके वो अलविदा कह गए और हमारी स्कूलें खाली हो पड़ी। वहाँ पर लाखों शिक्षकों के पद खाली है, राजकीय महाविद्यालय ITI एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ये आपने हालात कर दी, आपने घोषणा करी 2013 से 18 के बीच राजस्थान में शिक्षा का नया मॉडल बनाया था, एक शिक्षा की नई क्रांति आ गई, लेकिन 2021 के बजट घोषणा में आपने एक घोषणा करी 5वीं से 8वीं तक निःशुल्क 2 स्कूली यूनिफॉर्म, निःशुल्क संपूर्ण किस्ता पुस्तकें देंगे, लेकिन वो हवा हो गई। अध्यक्ष महोदय, हालात ये थे कि अधिकारियों को काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। अभी हमारे पंचायत राज मंत्री जी ने कहा एक पंचायत समिति में 20-20 विकास अधिकारी बदले गए, जो अधिकारी उनके कहने से भ्रष्टाचार का काम करते थे उनको कमा कर लाते थे, सरकार ने फैसला कर दिया 5 मिनट में। तो उनका काम होता था, बाकी नहीं होता था। हालात ये हो गए, खाओ और खिलाओ की छूट दे दी, जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत आप लोगों के लिए चरितार्थ हुई, NRF एक्ट 2023 पारित कर केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया है उस शिक्षा में सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय परामर्श मिशन की स्थापना की। अब हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, हम सरकार से चाहेंगे
कि राजस्थान की तरफ से भी 5 किलो श्री अनाज दिया जाए। मुख्यमंत्री जी का आभारी है कि उन्होंने निशुल्क ये माननीय गोविंद सिंह अन्नपूर्णा योजना में 450 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किए, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। साथ में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी 6000 बढ़ाकर 12000 रुपये किए, उसके लिए भी हम इनके आभारी हैं। हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं जो सरकार बनते ही लोकतंत्र के सेनानी मीसाबंदियों की पेंशन मान ली, अभ्यर्थियों के हित में आरएस भर्ती मुख्य परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया, भाजपा के संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया, सरकार की 100 दिन की कार्य योजना बनाई, अवैध खनन रोकने का अभियान चलाया, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं की MSP के ऊपर राज्य सरकार बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की योजना का निर्णय, कांग्रेस शासन में 19000 से ज़्यादा किसानों की जमीनें कुर्क की गई जिससे हमारे कई किसान भाई आत्महत्या करने तक मजबूर हुए, उनके लिए व्यवहारिक मुआवजा नीति निर्धारित करने का निर्णय, किसानों के खाद बीज खरीद के लिए फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर रेगुलेटरी टास्क फोर्स गठन किया, पेपर लीक मामलों में SIT का गठन, युवाओं में हताशा और अवसाद न हो इसके लिए युवा साथी केंद्र स्थापित करने का निर्णय, सरकार बनने के बाद 10000 अपराधियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की गई, भ्रष्टाचार के प्रकरणों में CBI के अनुसंधान की शक्तियां बहाल की गई, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन एवं साइबर सुरक्षा रणनीति तैयार की गई, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, प्रदेश में 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित करने जाने का निर्णय, प्रतिवर्ष हर ब्लॉक में 2 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करने का निर्णय, प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए ब्लॉक स्तर पर जनता दरबार के माध्यम से प्रभावी जन सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी, पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा विगत 6 माह में लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर जनहित में निर्णय की घोषणा राजस्थान की सरकार ने की है। दो मिनट अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंध के ने विकासशील राजस्थान को आर्थिक आपातकाल के रास्ते बीमारू श्रेणी के राज्य में धकेल दिया, बिना बजटीय प्रावधानों के घोषणा दर घोषणा करते हुए जिसे निरंतर राजस्व का घाटा बढ़ता गया, सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली एवं सब्सिडी देने के नाम पर डिस्काम को आर्थिक संकट में धकेल दिया जिससे डिस्काम का घाटा 1,00,000 करोड़ रुपये से पार पहुंच गया, आमदनी 98 खर्चा रुपया जैसा रहा, सामाजिक सुरक्षा के पेंशन बिल पिछले 6-7 माह से बकाया चल रहे हैं, राज्य का राजस्व आंकड़े 1.14 लाख करोड़ रुपये है जबकि पेंशन वित्त व उधारी के ब्याज का खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये है। MRP भी 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सा भाजपा सरकार से कांग्रेस सरकार का 18,000 करोड़ से अधिक था, अनुदान भी 7,000 करोड़ से अधिक था, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की दी गई करों में हिस्सेदारी और अनुदान से मिलने वाली कुल सहायता राशि 95,533 करोड़ रुपये थी, फिर भी कांग्रेस सरकार का आवर ड्रॉप में आप चले गए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय हाँ वही 31 मार्च 2019 को राज्य पर 3,11,374 करोड़ का ऋण भार था एवं प्रति व्यक्ति ऋण भार ₹40,300 का था, बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार 31 मार्च 2024 को